दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, जहां एक छोटी सी भूल ने किया भगवान वेंकटेश्वर को नाराज। और आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे इस खास रहस्यमय मंदिर के कुछ दिलचस्प रहस्य। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं तो देश विदेश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां भक्त अपनी श्रद्धा और इच्छा से चढ़ावा चढ़ाते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे मंदिर भी हैं जिन्हें अत्यधिक धनवान माना जाता है, परंतु दक्षिण भारत का तिरुमाला मंदिर इन सभी मंदिरों में सबसे ऊंचे पायदान पर है। यह देश का सबसे धनवान मंदिर माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या तो ज्यादा है ही, साथ ही भक्तों द्वारा चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा, जिसमें धन, जेवरात, महंगे वस्तुएं, सोना, चांदी, आभूषण इत्यादि शामिल है, जिनका मूल्य सभी मंदिरों के मुकाबले सबसे अधिक माना जाता है। दोस्तों, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब इस मंदिर के दरवाजों ने खुलने से मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर के दरवाजे खुलने से मना कैसे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, लाख कोशिश करने के बाद भी जब मंदिर के ताले नहीं खुले तो मंदिर के पदाधिकारी को काफी शर्मिंदा होना पड़ा। दोस्तों, दरअसल एक दिन तिरुमाला मंदिर के भगवान वेंकटेश्वर के गर्भगृह तक पहुंचने वाला सुनहरा दरवाजा, जो कि सोने से बना है, बंद हो गया। यह घटना तब घटी जब श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन और उनकी पत्नी दर्शन करने इस मंदिर पहुंचे। इस वजह से मंदिर के अधिकारी वर्ग को और अधिक शर्मिंदा होना पड़ा। पर ऐसा हुआ क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल ये सब हुआ सुबह 2:15 पर, जब मंदिर के मुख्य पुजारी वेंकटेश्वर भगवान को जगाने के लिए सुप्रभात सेवा, यानी कि सुबह आरती से पहले भगवान के दर्शन करने वाले समय के उद्देश्य से जब वह गर्भगृह तक जाने वाले सुनहरे दरवाजे को खोलने पहुंचे, तो सुनहरे दरवाजे को खोलने के लिए 3 चाबियां लगती हैं, जिन्हें एक ही समय ताले में डाला जाता है। भोर से पहले की आरती सुबह 3 बजे होती है। साफ सफाई के उद्देश्य से पुजारी पहले तो मंदिर के परिसर में जाते हैं। ताला खोलने के लिए जब पहली चाबी ताले में डाली गई, तो वह चाबी टूट गई। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति दरवाजा खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें देर न हो इसीलिए अधिकारियों को मंदिर का ताला तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। आरी के सहारे ताले को तोड़ा गया और पूरे 3 बजे सुभ्रातम आरती प्रारंभ हुई। श्रीलंका के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने भगवान के दर्शन भी किए। बाद में जब उनसे ताला ना खुलने की वजह पूछी गई, तो मंदिर की ओर से यह कहा गया कि शायद ताला जाम हो गया, जिसकी वजह से उसे तोड़ना पड़ा। हैरानी की बात तो यह है कि एक दिन पहले सब कुछ ठीक था, फिर अचानक ताला जाम कैसे हुआ। बहुत से लोगों का ये कहना था कि मंदिर के अधिकारियों की एक छोटी सी गलती की वजह से भगवान वेंकटेश्वर नाराज हो गए। VVIP लोगों के दर्शन करवाने के लिए उन्होंने वेंकटेश्वर भगवान को 5 मिनट पहले ही नींद से जगाने की कोशिश की थी, इसीलिए वो ताला शायद नहीं खुला। दोस्तों, सामान्य तौर पर गर्भगृह का मुख्य द्वार 2:20 पे खुलता है, जबकि उस दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति के लिए उसे 2:15 पर खोला जा रहा था। मंदिर में पूजा, दर्शन, शयन, आरती सभी के लिए कड़े नियम और समय की पाबंदी है। उनमें जरा सी भी छेड़छाड़ ईश्वर को नाराज कर देती है। खैर, अब ये बात माननी होगी कि क्या ये सच था या फिर केवल एक भ्रम था। लेकिन दोस्तों, आज तक इस बात का रहस्य उजागर नहीं हो पाया कि आखिर उस समय ही क्यों वह ताला नहीं खुल पाया और चाबी, जो कि पूर्णतः पूरे सुनहरे विकट जो कि पूर्णतः सोने से बनी थी, आखिर टूट कैसे गई। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या भगवान वेंकटेश्वर नाराज हो गए थे या फिर ये केवल एक छोटी मोटी घटना थी। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।